अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की जोड़ी में बनने वाली सबसे पहली मूवी का नाम था वक्त हमारा है, जो कि 23 जून 1993 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर भरत रंगाचारी थे। मूवी के लीड रोल में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, आयशा जुल्का और ममता कुलकर्णी थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ था। मूवी ने भारत में कमाई की थी 1 करोड़ 90 लाख की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 2 करोड़ 80 लाख की और मूवी एवरेज साबित हुई थी। इन दोनों की अगली मूवी का नाम था मोहरा, जो कि 1 जुलाई 1994 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर राजीव राय थे। मूवी के लीड रोल में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, नशुद्दीन शाह, परेश रावल और गुलशन ग्रोवर थे। इस मूवी का बजट 3 करोड़ 25 लाख था। भारत में कमाई की थी 12 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 22 करोड़ 65 लाख की और यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इन दोनों की अगली मूवी का नाम था हम है बेमिसाल, जो कि 16 दिसंबर 1994 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर दीपक बहरी थे। मूवी के लीड रोल में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और शिल्पा शिरोडकर थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ 50 लाख था। भारत में कमाई की थी 2 करोड़ 92 लाख की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 4 करोड़ 15 लाख की और मूवी फ्लॉप रही थी। इन दोनों की अगली मूवी का नाम था सपूत, जो कि 8 नवंबर 1996 को रिलीज हुई थी। मूवी के डायरेक्टर जगदीश ए शर्मा थे। मूवी के लीड रोल में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, करिश्मा कपूर, सोनाली बेंद्रे और कादर खान थे। इस मूवी का बजट 5 करोड़ 50 लाख था। भारत में कमाई की थी 6 करोड़ 80 लाख की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 12 करोड़ की और मूवी एवरेज साबित हुई थी। इन दोनों की अगली मूवी का नाम था हेरा फेरी, जो कि 31 मार्च 2000 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर प्रियदर्शन थे। मूवी के लीड रोल में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल और तबू थे। इस मूवी का बजट 7 करोड़ 50 लाख था। भारत में कमाई की थी 12 करोड़ 35 लाख की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 21 करोड़ 42 लाख की और मूवी हिट साबित हुई थी। इन दोनों की अगली मूवी का नाम था धड़कन, जो कि 11 अगस्त 2000 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर धर्मेश दर्शन थे। मूवी के लीड रोल में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, शिल्पा शेट्टी और महिमा चौधरी थे। इस मूवी का बजट 9 करोड़ था। भारत में कमाई की थी 14 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 26 करोड़ 47 लाख की और मूवी सेमी हिट रही थी। इन दोनों की अगली मूवी का नाम था आवारा पागल दीवाना, जो कि 20 जून 2002 को रिलीज हुई थी। मूवी के डायरेक्टर विक्रम भट्ट थे। मूवी के लीड रोल में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, आफ्ताब शिवदासानी, आतिश छाबरिया, अमृता अरोड़ा और प्रीति जांगियानी थे। इस मूवी का बजट 13 करोड़ था। भारत में कमाई की थी 16 करोड़ 35 लाख की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 27 करोड़ 60 लाख की और मूवी एवरेज रही थी। इन दोनों की अगली मूवी का नाम था जानी दुश्मन, जो कि 16 अगस्त 2002 को रिलीज हुई थी। मूवी के डायरेक्टर राजकुमार कोहली थे। इस मूवी के लीड रोल में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, सनी देओल, सोनू निगम, अरशद वारसी, मनीषा कोइराला और आफ्ताब शिवदासानी थे। मूवी का बजट 18 करोड़ था। भारत में कमाई की थी 10 करोड़ 71 लाख की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 19 करोड़ की और मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। इन दोनों की अगली मूवी का नाम था ऑन मैन एट वर्क, जो कि 4 जून 2004 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर मधुर भंडारकर थे। मूवी के लीड रोल में अक्षय कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, सुनील शेट्टी, परेश रावल, जैकी श्रॉफ, रवीना टंडन, लाला दत्ता और राहुल देव थे। इस मूवी का बजट 15 करोड़ था। भारत में कमाई की थी 9 करोड़ 23 लाख की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 14 करोड़ 40 लाख की और मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। इन दोनों की अगली मूवी का नाम था दीवाने हुए पागल, जो कि 25 नवंबर 2005 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर विक्रम भट्ट थे। मूवी के लीड रोल में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, शाहिद कपूर, रिमी सेन और परेश रावल थे। इस मूवी का बजट 20 करोड़ था। भारत में कमाई की थी 15 करोड़ 16 लाख की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 26 करोड़ 60 लाख की और मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। इन दोनों की अगली मूवी का नाम था फिर हेरा फेरी, जो कि 9 जून 2006 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर नीरज बोरा थे। मूवी के लीड रोल में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, बिपाशा बासु और रिमी सेन थे। इस मूवी का बजट 18 करोड़ था। भारत में कमाई की थी 40 करोड़ 82 लाख की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 69 करोड़ 13 लाख की और मूवी सुपरहिट रही थी। इन दोनों की अगली मूवी का नाम था दे दनादन, जो कि 27 नवंबर 2009 को रिलीज हुई थी। मूवी के डायरेक्टर प्रियदर्शन थे। इस मूवी के लीड रोल में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, कैटरीना कैफ, समीरा रेड्डी, जॉनी लीवर, चंकी पांडे, असरानी और राजपाल यादव थे। इस मूवी का बजट 50 करोड़ था। भारत में कमाई की थी 48 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 81 करोड़ 90 लाख की और मूवी एवरेज रही थी। इन दोनों की अगली मूवी का नाम था थैंक यू, जो कि 8 अप्रैल 2011 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर अनीज बज्मी थे। मूवी के लीड रोल में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, बॉबी देओल, सोनम कपूर, इरफान खान और सेलिना जेटली थे। इस मूवी का बजट 60 करोड़ था। भारत में कमाई की थी 46 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 72 करोड़ की और मूवी फ्लॉप साबित हुई थी।
इन दोनों की आगे आने वाली मूवी का नाम है वेलकम टू जंगल। इस मूवी के डायरेक्टर अहमद खान होंगे। मूवी में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, परेश रावल, लारा दत्ता, रवीना टंडन, श्रेयस तलपड़े, राहुल देव और राजपाल यादव दिखाई देंगे। मूवी के रिलीज होने के बाद ही पता चल पाएगा मूवी हिट रहती है या फिर फ्लॉप। तो दोस्तों ये थी अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की एक साथ आने वाली सभी फिल्में। दोस्तों इस चैनल पर लगभग 125 अच्छी से अच्छी वीडियो डालने के बाद भी मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में नाइस, वेरी नाइस, गुड, वेरी गुड कुछ भी जरूर लिखें ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके और मेरा चैनल ग्रो हो सके। अगर आप अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, जैकी श्रॉफ, दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, संजय दत्त, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, ऋषि कपूर, अजय देवगन, गोविंदा, सनी देओल, मनोज कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान, अनिल कपूर जैसे बॉलीवुड के सुपरस्टार की सभी फिल्मों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल फिल्मी सिनेमा को जरूर विजिट करें या फिर अपने सामने दिखाई देने वाली प्लेलिस्ट पर जरूर क्लिक करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।